अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट साहिर बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोच टेक न्यूज़, जहां पे आपको लेटेस्ट मोबाइल की स्पेक्स, बैटरी, कैमरा इन सब का रिव्यू किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके स्पेक्स से। ये MI Note 10 Lite जो पाकिस्तान में अभी लॉन्च होने वाला है, इंडिया में लॉन्च हो चुका है, इसकी काफ़ी मज़ेदार स्पेक्स हैं। ये किसी भी लिहाज से फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है जो कि मिड रेंज में आता है। पाकिस्तान में इसकी कोई प्राइस है 55 से 56 हज़ार तक। तो देखें इसकी स्क्रीन डिस्प्ले, ये एमोलेड डिस्प्ले है 6.47 इंच का फुल HD प्लस जो एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, और इसका स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर है जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, जहां पे गेमिंग बहुत स्मूथ होने वाली है। और GPU एंड्रीनो 680 है, रैम इसकी 8GB है, इंटरनल मेमोरी में इसकी 128GB है, और बैटरी 5260mAh की एक बड़ी बैटरी है जो कि गेमिंग मोबाइल्स में इस्तेमाल होती है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स चल रही हैं, जिनका एंड पे आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा सारा रिज़ल्ट इसका। जितनी गेम्स जो भी खेली जा रही हैं, इन सब का रिज़ल्ट आपको एंड में शो होगा कि कितने घंटे किस गेम पे चलाए जा सकते हैं। यूट्यूब इन सब चीज़ों का रिव्यू है और इसका रिज़ल्ट एंड में है, तो वीडियो आप एंड तक लाजमन देखिएगा क्योंकि वहाँ पे एक रिज़ल्ट की लिस्ट आपके सामने आएगी। तो मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ जो कि पाकिस्तान में अपकमिंग मोबाइल्स और लेटेस्ट मोबाइल का रिव्यू करता हूँ, तो आप सबसे गुजारिश है कि मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट हो कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जो बात पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिएगा, आप सबको उनका रिप्लाई मिलेगा। मैं आप सब दोस्तों से वादा करता हूं कि जो भी इंशाल्लाह न्यू मोबाइल आएंगे, सबसे पहले आपको उसका रिव्यू और उसके स्पेक्स के बारे में बताऊंगा, और इसी तरह अपकमिंग जो पाकिस्तान में मंथ बाई मंथ डिवाइसेज आती हैं, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये स्क्रीन पर सब कुछ आपके सामने चल रहा है, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स चल रही हैं, तो इनको आप गौर से देखें कि किस तरह स्मूथ चल रही हैं। बाकी रही इस सेट की बात, तो ज़ाती तौर पे भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा सेट। अभी जो मेरे पास सेट है वो सैमसंग का A51 है, तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं इस सेट पे कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि इस सेट के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च की है मैंने, काफ़ी सारी वीडियोज़ इस सेट के बारे में देख के, तो मेरा भी मन चाहा कि इसके बारे में मैं भी एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि किस तरह का है ये सेट और कैसे ये काम करता है। एक बात है MI Note 10 Lite की, तो MI के जो सेट हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी तक। Note 8 जैसे बहुत फेमस हुआ है पाकिस्तान में, और Note 9S भी आ चुका है। Note 9S के बारे में भी मैं इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगा कि वो कैसा सेट है। ये जो मेरी वीडियोस हैं मुख्तलिफ किस्म की यार रिसर्च के बाद बनती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि वही ओपिनियन दूँ जो कि अच्छा हो, जो सेट अच्छा हो उसके बारे में रिव्यू दूं कि ये कैसा है। मेरे चैनल पे आपको जो सेट वैल्यू फॉर मनी होंगे उन्हीं की ही सिर्फ वीडियोस मिलेंगी, बाकी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। हाँ, जो बुरे होंगे उनके बारे में भी बनाई जाएगी कि ये सेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस प्राइस में ये जो लॉन्च हो रहा है, अगर सैमसंग का सेट होता तो तकरीबन 1,10,000 या 20,000 रुपये का होता। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये शाओमी का फर्स्ट बजट रेंज फ़ोन है जो कि कर्व्ड स्क्रीन में आता है, और मेरा ख्याल है इस रेंज अभी तक किसी कंपनी ने इस रेंज में कोई भी कर्व्ड स्क्रीन मोबाइल लॉन्च नहीं किया। ये एक फर्स्ट डिवाइस है जो 56,000 की रेंज में कर्व्ड स्क्रीन आपको प्रोवाइड करती है। ये ऊपर कोने में आपको बैटरी का जो है ना परसेंटेज भी नज़र आ रही होगी कि कितने मिनट के बाद एक पॉइंट गिरता है, तो आप भी ज़रा गौर से इस चीज़ को देखिए कि आपको कैसा लग रहा है ये सब देख के, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और फाइनली ये रहा इसका बैटरी का रिजल्ट जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।